देश में व्यापम घोटाले से लेकर नीट घोटाले तक लगभग 41 स्थानों पर राज्य व केंद्र सरकारों में शासकीय भर्ती के विषय पर जब भी इम्तिहान हुए हैं उनमें पेपर लीक की शिकायतें आई हैं। यदि हम वापस जाएं व्यापम प्रकरण में तो सीबीआई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस सौंपा था, लेकिन स्वयं सीबीआई ने जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन किया उसमें उन पर खुद पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके। पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से इस देश में जितने भी या तो रिक्रूटमेंट के लिए या नीट जैसे इम्तिहान के लिए, जिस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए होते हैं, क्लैट में होता है, ऐसे लगभग 41 प्रकरण सामने आए पिछले 5 सालों में। और इसमें दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी आज चुप है। लाखों अभिभावकों ने करोड़ों रुपए खर्च करके, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके सब मिलाकर उन्होंने अपने बच्चों को कोचिंग दिलवाई। कोचिंग करने के बाद जिनको कि छात्रों को ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, जो कि एम्स में भर्ती हो सकते थे, वे आज इस घोटाले की वजह से पीछे रह गए। यहां तक बताया जाता है कि एक छात्र जिसको कि 720 नंबर नीट में आए हैं वो हायर सेकेंडरी के इम्तिहान में फेल हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति हायर सेकेंडरी का इम्तिहान पास नहीं कर पाया आज वो एम्स में भर्ती होने के लायक नीट एग्जाम ने बना दिया है। मेरे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे और धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे। प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आज एनटीए के वे अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके पहले वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं और वही जांच करेंगे। यदि जिसने जुर्म किया है उसी को जांच सौंप दी जाए, वही प्रोसिक्यूशन का एक अंग बन जाए, तो आप समझ सकते हैं ये घोटाले कैसे कम होंगे। ये सब घोटाला करने वाले लोगों का एक समूह है, पूरे देश में एक माफिया बन चुका है। जिस दिन नीट एग्जाम हो रहे थे बिहार में मामला पकड़ा गया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, गुजरात में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन नीट के एनटीए जो कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनियमितता नहीं हुई है, ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, और कई लोग जो ग्रेस मार्क पास पाकर और 720 नंबर उन्होंने पास पा दिए। अनेक जो प्रश्न है मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप वाकई में इस देश में निष्पक्ष भर्ती अभियान चलाएंगे सरकारी नौकरियों में, तो आपको तत्काल जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जो चेयरमैन हैं एनटीए के, उनको तत्काल वहां से हटाइए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं ये भी मांग करता हूं कि टेक्निकल फॉरेंसिक जांच पूरी इसके इम्तिहान की होना आवश्यक है, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं आज इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि इस पूरे नीट इम्तिहान को आप कैंसिल करिए और फिर से इसका इम्तिहान करवाइए, क्योंकि जो लड़के 720 नंबर पा गए हैं वही आज पूरे के पूरे एम्स पे कब्जा कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि एम्स जो हमारी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है देश की और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका नाम है, उसको भी आप लोग ऐसे लोगों से अगर भर्ती कराएंगे तो हालत क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। इसलिए साथियों, हम सबको इस घपले के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और इस घपले के खिलाफ आप न केवल आवाज उठाएं लेकिन जन जन में जाकर इसको हमें एक्सपोज करने की आवश्यकता है।
इसे उजागर करने की आवश्यकता है और हमारी सहानुभूति पूरी उन सब हमारे अभिभावक के साथ है, उनके माता पिताओं के साथ है, जो बच्चे कोचिंग कर, दो दो तीन तीन साल से कोचिंग करने के बाद भी इस घोटाले में फंस गए और वे आज नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।